आपका वज़न बढ़ा सकती हैं ये 8 चीज़ें। बहुत ज़्यादा खाने और एक्सरसाइज की कमी को मोटापे का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन मोटापे के केवल यही कारण नहीं हैं। तो आइए कारण जानने के लिए वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें। फ्रेंड्स, ठंड वायरस के कारण। फ्रेंड्स, सितंबर में जनरल पीडियाट्रिक के निष्कर्ष के अनुसार एंडियो वायरस नाम के कोल्ड वायरस के संपर्क में आने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के मुकाबले मोटापे से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। 124 बच्चों पर किए गए अध्ययन में लगभग 80% मोटापे से ग्रस्त थे। इनमें अन्य बच्चों की तुलना में औसत वज़न 50 पाउंड यानी कि 23 किलोग्राम अधिक था। दूसरा है एयर कंडीशनिंग का अधिक इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि आपका एयर कंडीशनर भी मोटापे के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी के 2006 के एक लेख के अनुसार लगातार आरामदायक तापमान में रहने वाले लोगों का शरीर अधिक ठंड या गर्म क्षेत्र में काम नहीं कर पाता है। दक्षिण के कुछ क्षेत्र में, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, मोटापे की सबसे अधिक दर पाई जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अध्ययन के अनुसार घरों में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल पहले के मुकाबले लगभग 37% से बढ़कर 70% हो गया है। अब बात करते हैं माँ का कामकाजी होना। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में मई में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कामकाजी महिला के बच्चे की तुलना में घर में रहने वाले महिलाओं के बच्चे की तुलना में मोटापे से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यह अध्ययन 8,552 बच्चों पर किया गया। इसका कारण बच्चों की निगरानी की कमी थी, लेकिन अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं के आहार या शारीरिक गतिविधि की जाँच नहीं की गई थी। नींद की कमी। क्या आप जानते हैं कि देर तक जागना आपको महंगा पड़ सकता है? नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरों के साथ ही आपकी चरहरी काया भी मोटी हो सकती है। अमेरिका के केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में हाल ही में 68,000 महिलाओं पर किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई कि नींद पूरी ना होने पर लैप्टिन यानी कि ये हार्मोन पर्याप्त वसा संग्रह का संकेत होता है और प्राकृतिक तरीके से भूख को दबाता है का स्तर कम हो जाता है और भूख लगने लगती है। इसी स्थिति में भूख लगने के लिए जिम्मेदार ग्रेलिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और मस्तिष्क को भूख लगने का संकेत मिल जाता है। व्यक्ति को कुछ खाने की इच्छा होने लगती है। इसका नतीजा मोटापे के रूप में सामने आता है। रात में जलती लाइट। फ्रेंड, जर्नल प्रोसीडिंग्स नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में अक्टूबर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रात में लाइट में सोना आपकी कमर के कुछ इंच को बढ़ा सकता है। यह अध्ययन चूहों पर किया गया। अध्ययन के अंतर्गत 8 सप्ताह की अवधि के दौरान मंद प्रकाश के संपर्क में रहने वाले चूहों ने अन्य चूहों की तुलना में लगभग 50% अधिक वजन प्राप्त किया। हालांकि सभी चूहों का भोजन और शारीरिक गतिविधियाँ एक जैसी थी। जीन। फ्रेंड, जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वसायुक्त भोजन ज़्यादा लज्जार भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन ग्रेलिन के स्तर में बदलाव करता है। अध्ययन के दौरान मोटापे को पारिवारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जाता है और पाया कि किसी व्यक्ति का जेनेटिक कोड उसके मोटापे में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान उच्च वसा आहार। फ्रेंड, सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया के मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं फैसब जर्नल में 2009 के एक अध्ययन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान उच्च फैट आहार लेने वाली महिला के बच्चे में अन्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा वजन पाया जाता है। ऐसा महिलाओं के बच्चे मोटापे से इसीलिए ग्रस्त होते हैं क्योंकि माँ द्वारा वसा का उपयोग नाल भ्रूण को भी कई पोषक तत्व प्रदान करने का कारण बनता है। दवाओं के कारण। फ्रेंड्स, अवसाद मधुमेह उच्च रक्तचाप और अवांछित गर्भ को नियंत्रित या रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं भी वजन बढ़ने का कारण होती हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन GAM की पीडियाट्रिक रिपोर्ट के अनुसार
जिन बच्चों ने 2 साल की उम्र तक 4 या 4 से ज़्यादा एंटीबायोटिक कोर्स का सेवन किया था उनमें मोटापा होने की आशंका 10% ज़्यादा पाई गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।